हरिओम। सर्वप्रथम सबके हृदय में विराजमान मेरे पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम वेदिका है और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। सदगुरु अर्थात सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा का अनुभव कराने का सामर्थ्य जिन महापुरुषों में होता है, जो हमारे जन्मों जन्मों के अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा सर्वदा नष्ट कर देते हैं और हमें अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। श्री गुरु गीता में आता है, त्रिणेवत ब्रह्मा विष्णु वैभव परमो गुरु, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु के वैभव को भी त्रिणेवत समझते हैं, वे ही सच्चे सद्गुरु हैं, परम गुरु हैं। ऐसे सद्गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है, क्योंकि सद्गुरु के पाद सेवन से ही मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध आत्मा होकर अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि प्रचेताओं ने अपने तप के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से भगवान नारायण को प्रकट करने के लिए नारायण स्तवन की दीक्षा ली। जब प्रचेताओं की भक्ति से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण प्रकट हुए, तब प्रचेताओं ने वर मांगा कि हे प्रभु, हमें आप ऐसा ही वर दीजिए जो आप चाहते हैं, जिसमें हमारा परम मंगल हो। तब भगवान ने कहा, जाओ तुम्हें संत मिलेंगे। यहाँ स्वयं भगवान ने भी संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम संत समागम को ही बताया है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जब माता शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, उसमें भगवान ने सर्वप्रथम भक्ति संतों का संग ही बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का जो अज्ञान माँ काली के दर्शन से भी दूर नहीं हुआ, वही अज्ञान तोतापुरी गुरु की कृपा से पूर्ण नष्ट हो गया। भक्त नामदेव को भगवान ने स्वयं संत विशोभा खेचर के चरणों में जाने की आज्ञा दी और संत विशोभा खेचर की कृपा से भक्त और भगवान के बीच की दूरी का पूर्णतः नाश हुआ। सद्गुरु की कृपा में अज्ञान को नष्ट करने की, अंतःकरण में भगवत रस को प्रकट करने और जीवत्व को मिटाकर ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित करने का विलक्षण सामर्थ्य है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागु पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। संत सहजोबाई कहती है, हरि को तज पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप में और ज्ञानी में क्या अंतर है? तब भगवान बोले, मैं और ज्ञानी सर्वथा अभिन्न हूँ। तब अर्जुन ने आग्रह करके पूछा कि प्रभु, आप में और ज्ञानी में कोई तो अंतर होगा? तब भगवान बोले, यदि तू अंतर जानना ही चाहता है तो सुन, मैं शरीर हूँ और ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। श्री रामचरितमानस में आता है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात भगवान यदि समुद्र है तो संत बादल के समान है। जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को लेकर जगह जगह मीठे जल की वर्षा करता है, वैसे ही संत अपनी कृपा और सामर्थ्य के द्वारा अनंत अनादि निर्गुण निराकार ब्रह्म के रस को जीव मात्र के अंतःकरण में प्रकट करके उसे निष्पाप और परम पावन बना देता है। श्री गुरु गीता में भगवान शिव ने स्वयं कहा है, अत्रि नेत्र शिव साक्षात द्विवाहुश्च हरिस्मृत यो चतुर्वदनो ब्रह्म श्री गुरु कथितः प्रिये। ऐसी अविद्या का नाश करने वाले ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हरिओम।